हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आज के साथ मैं हूँ सबाशी और मैं हूँ अरुण काजमी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ इस भीगी रुत से दिसंबर के मजे भी ले रहे होंगे। जी हाँ, दिसंबर के तो मजे ले ही रहे होंगे, लेकिन साथ साथ कल जब मैं टीवी देख रही थी तो मैं देख रही थी कि मरी में, इस्लामाबाद में और दीर बाला में लोग कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और वाकई में पाकिस्तान में जब सर्दियां आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे फेस्टिविटी का जो है वो मौसम वापस आ गया। अच्छा, ये तो वैसे और जा रही है, बिल्कुल। अच्छा, आपने जाना दीर बाला? बिल्कुल, पूरा प्लान है मेरा कि मरी, इस्लामाबाद, हर जगह जाएंगे, मौसम के फुल मजे लेके आऊंगी, बर्फबारी एंजॉय करके आऊंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि बर्फबारी भी जो है वो गिलगित में, मरी में, हर जगह पे जो है वो बर्फबारी हो रही है। और अनम जब जाएंगी और इस दफा वापस आएंगी तो सबके लिए गिफ्ट भी लेकर आएंगी। पिछली दफा जो है वो इन्होंने डंडी मार दी थी कि मैं जल्दी जल्दी वापस आई थी, भूल गई थी। खैर, जहां पर बात हो रही है मौसम की, और मौसम बहुत सर्द है, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ हम भी यहाँ पर बैठकर बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और आज हमारे शो का मौसम जो है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमारे शो में होंगे सिंगर हमारे साथ, और ये न सिर्फ सिंगर हैं बल्कि लेजेंड भी हैं, पाकिस्तान के पॉप स्टार हैं। और पाकिस्तान में अगर पॉप मौसीकी की बात की जाए तो इंट्रोड्यूस ही इन्होंने किया, और इनके हवाले से जितनी बात की जाए उतनी कम है। पाकिस्तान के ट्रेंड को चेंज किया, पाकिस्तान में मौसीकी के ट्रेंड को चेंज किया, पाकिस्तान में पॉप सिंगिंग लेकर आए, नया ट्रेंड लेकर आए, इंतहाई मेलोडियस इनकी वॉइस है। नाजिया हसन और जुहेब हसन के हवाले से डेफिनेटली पूरी दुनिया ही इनको जानती है, लेकिन आज हमारे शो पे हमें ज्वाइन करेंगे जुहेब हसन, जो कि हमारे साथ होंगे अपनी नई एल्बम के लिए भी। आज हम उनसे बात करेंगे कि क्या है उनकी नई एल्बम में, किस तरीके से इस दफा उनकी ये वीडियो आ रही है। डेफिनेटली हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इनकी इस वीडियो के लिए, क्योंकि डेफिनेटली जब इस तरह के लेजेंड्स, जब इस तरह के स्टार्स वीडियोज बनाते हैं तो इतने अरसे के बाद जो है देखने का दिल करता है कि जी वही तमाम जो लेजेंड से हमारे अगर दोबारा से वीडियो बना रहे हैं तो उसमें क्या नया होगा। तो डेफिनेटली हमारे पास जो है जुहेब हसन होंगे अब से कुछ देर बाद, और हमें ज्वाइन करेंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं सियासी मौसम की। तो जनाब, सियासी मौसम क्या है? सियासी मौसम में जहां पर हम देखते हैं कि समातों का सिलसिला जारी है, धरनों की आवाजें जारी हैं, वहीं पर अब हुदैबिया पेपर मिल्स के मामले से जो मामला कल से उठाए गए हैं उसके बाद कई बातें हो रही हैं। लंदन में नवाज शरीफ की इसहाक डार साहब से मुलाकात भी हुई है, और इस सारी सूरत हाल में अगर देखा जाए तो मईशत के हवाले से इसहाक डार साहब जितनी बातें करते थे अब वो कहीं बातें जो हैं उनकी कहीं भी बातें जो हैं कहीं पीछे जाती जा रही हैं, क्योंकि जो हमारे रुपए की कदर है फाइनली वो गिर गई है। और इस हवाले से इंतहाई अफसोस की बात है कि जहाँ पर हम कहते थे कि मईशत तो स्ट्रांग हो रही है, लेकिन अब मईशत में कई प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो इस सारे हवाले से आज हम अपने शो में भी बात करेंगे। बिल्कुल जनाब, ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या कुछ होता रहा, जो जो तब्दीलियाँ आई हैं वो तो हम आगे चल के आपके साथ शो में डिस्कस भी करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसहाक डार को भी इश्तेहारी करार दे दिया गया है, और कल इसहाक डार की जो है नवाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है लंदन के अंदर, और ये मुलाकात भी काफ़ी अहम तस्वुर की जा रही है। इसके साथ साथ अगर दूसरी तरफ बात करें हम पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी भी अपनी तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं इस वक्त इलेक्शन से पहले उनमें मसरूफ दिखाई दे रही है। जबकि तहरीक इंसाफ की बात करें तो तहरीक इंसाफ जो है उसने बड़ी वाज़ेह तौर पर ये बात कह दी है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ उस वक्त तक नहीं चल सकते जब तक माइनस जरदारी नहीं हो पाता। यानी कि अगर ऐसे चांसेस पैदा होते भी हैं तो जब तक जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की सरबराही कर रहे हैं तब तक तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी एक साथ मिलकर नहीं बैठ सकते, ये बात तो वाज़े हो चुकी है। साथ साथ जनाब, और बड़ी एक्टिविटीज दिन भर की रही हैं। फिर हमने देखा कि कराची के अंदर कुछ फेस्टिवल्स रहे, फिर आईएम कराची की जानिब से जो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया, एक म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गया, तो उसमें भी लोगों ने बड़ा जम के पार्टिसिपेट किया। फिर पांच रोजा कुतुब मेला जो था कराची में लगा गया वो भी इख्तिताम पजीर हो गया। साथ साथ कुछ फैशन शोज किए गए लाहौर के अंदर, वो भी खत्म हो चुके हैं। तो ओवरऑल जैसे ही दिसंबर आया है, एक्टिविटीज चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो चाहे वो दूसरी एक्टिविटीज हो, वो तमाम तर एक्टिविटीज जो है वो बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, लोग उनमें पार्टिसिपेट करना शुरू हो चुके हैं। और इस सब का एक रीजन ये भी है कि जब मौसम बड़ा सुहाना होता है तो लोगों का दिल भी करता है बाहर निकलने का। और इस बार हम देख रहे हैं कि जो बारिश की पेशगोई की गई है वो कहा जा रहा है कि पूरा दिसंबर ही जो है वो मौसम इंतहाई खुशगवार रहेगा, और बारिश जो है वो खुलकर होगी, जो बारिश के पानी है वो खुलकर बरसेगा। तो ओवरऑल इस सब पर आज के शो में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे हमारी टॉप स्टोरीज पर।
दिसंबर की रानाई जोबन पर बड़े बरसों बाद बादल बरसे भी और गरजे भी। लाहौर समेत पंजाब के कोने कोने में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में भी बरसात से मौसम हसीन। खुश सर्दी और स्मोक की छुट्टी। मौसमियात वाले कहते हैं इस बार अबरे करम खूब रंग जमाएगा। वादियों के दामन बर्फीले मोतियों से भर गए। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सवाब के दिलकश नजारों की सयाहों को दावत आम। गिलगित बल्तिस्तान, दयामीर, नांगा पर्वत और बाबूसर टॉप पर रुई के गाले खूब बरसे। यकबस्ता हवाएं भी कराची वालों की कुल्फी जमाने आ रही हैं। शहर काज में बादलों का पड़ाव, मौसम मजीद सुहाना हो गया। डॉलर के मुकाबले में रुपए की हुई बर्बादी तो इस साग डार हो गए इश्तहारी। मुल्क के खजाने का हाल चाल देखने वाले साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को अदालत ने इश्तहारी करार दे दिया। इसहाक डार के जमानती को 50 लाख रुपए जमा कराने का हुक्म। रेफरेंस की समाअत जुमेरात को होगी। क्या कह रही है? चले जनाब, वैसे आज हमारे शो का जो मौसम है वो बड़ा मजेदार है। हाँ, वैसे ऐसा तो है ही। चले जनाब, अपनी जो न्यूज स्टोरीज हैं उनसे हम अपने शो का आगाज करते हैं। एक्सप्रेस नामा में इस वक्त हमारे काम में कोई आवाज आ रही है? चले जनाब, एक्सप्रेस रोजनामा की हम अगर मेन हेडलाइंस की बात करें तो सबसे पहले जो यहाँ पर मेन लीड लगाई गई है वो है कौमी असेंबली के हवाले से। जैसे कि कल मैंने कहा था कि फाटा इस्लाहात के हवाले से बिल पेश किया जाना था, लेकिन फिर एक बार टाल मटोल की गई और फिर से हमने देखा कि डाइस का घेराव किया गया। अपोजिशन हो चाहे हमारे जो वहाँ के फाटा के जो नुमाइंदगान हैं, वो उन लोगों ने जो है वो कल बड़ा हंगामा किया और इसी हवाले से यहाँ पर मेन हेडलाइन लगाई गई है कि फाटा इस्लाहात जो बिल है वो एक बार फिर जेरे बहस नहीं आया, जिसके बाद ऑपोजिशन ने हंगामा किया, स्पीकर डाइस का घेराव किया और एजेंडे की कॉपियां भी पार दी। कल कहा जा रहा था कि फाटा इस्लाहात के हवाले से इसको एजेंडे में शामिल किया जाएगा, लेकिन एक बार फिर से हमने देखा कि इसको मौखर कर दिया गया, जिसके बाद ये इजलास भी जो है वो मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि एक तो जो काउंट था असम्बली में वो पूरा नहीं था, प्लस ये कि जो हंगामा आरई हो चुकी थी उसके बाद ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था। तो ना जाने क्या वजह है कि ये फाटा के मामला जो है वो निमट कर नहीं दे रहे। एक तरफ सब कहते हैं कि हम सहमत हैं, हम चाहते हैं कि फाटा को जो है जम कर लिया जाए, लेकिन उसके बाद जब भी कभी फाटा की बेहतरी के लिए कोई बात हो रही होती है तो फिर उसमें टाला मटोल कर दी जाती है। तो इस मेन खबर को जो है वो आज एक्सप्रेस न्यूज़नामा ने अपनी मेन दी। ठीक है, अच्छा फाटा का जो मामला है उस पर आई थिंक इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि अगर अभी जम नहीं हुआ तो फिर ये 2023 तक जम नहीं होगा और मौलाना फजल रहमान को जो है थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी और थोड़ा सा दिल भी बड़ा करना होगा, इस मामले पर बैठ के बात भी करनी होगी। अच्छा, यहाँ पर जो मेन लीड है उसके ऊपर जब मेरी नजर गई है तो डेफिनेटली मैं हैरान हुई ये मेन लीड पढ़ के, और फिर एक दफा पीपल्स पार्टी जो है वो अड़ गई और 5% ब्लॉक्स की दोबारा मर्दमशुमारी समेत 11 मुतालबात पर इसरार जो है वो कर दिया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो जहां पर पीपल्स पार्टी मुफाहमत की सियासत के लिए बड़ी मशहूर है, वहीं नून लीग को बड़ा टफ टाइम दे रही है और एक दफा फिर से जो है 11 मुतालबात कर दिए गए हैं और इसरार किया जा रहा है कि उनको माना जाए। ये तो उनके नुकात हैं, पीपल्स पार्टी का अपना स्टांस है कि वो जिस तरीके की सियासत कर रही है इस वक्त उनकी सियासत जो है काफी हिट चल रही है क्योंकि वो दीगर जमातों से भी मुफाहमत कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि पीपल्स पार्टी ने ताहिरुल कादरी से गठजोड़ कर लिया है अब, जबकि सानिया मॉडल टाउन का ये मामला है, उसकी रिपोर्ट का मामला है, लेकिन ये गठजोड़ जब करना चाहिए था जब उनके वो लोग शहीद हुए थे, उनके पास वहां पर जाकर उनसे इजहार यकजहती जब करना चाहिए था। तो डेफिनेटली लोग यही कह रहे हैं कि जी अब सियासत की वजह से जो है इन्होंने इस तरीके से किया है कि ये दोबारा सियासी तौर पर मुफाहमत कर रहे हैं। और दूसरी खबर हुदैबिया पेपर मिल्स के मामले पर। जी हाँ, इसहाक डार साहब के हवाले से कल से इस हुदैबिया पेपर मिल्स की समाअत का आगाज हो गया और उसके बाद नवाज शरीफ से उनकी लंदन में मुलाकात भी हुई है और वो पेशी पर तो अपनी आ नहीं रहे हैं। डेफिनेटली उनके जो वकील हैं उनकी जानिब से कह दिया जाता है कि वो अलील हैं, बीमार हैं, जिसकी वजह से वो नहीं आ सकते हैं। तो खैर वो तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब मईशत का जो हाल है वो इस तरह का हाल है कि पहले ये कहा जाता था कि जी मईशत बेहतर चल रही है, इंटरनेशनल फोरम पर जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब जो हमारे साबिक वजीर खजाना है उन्होंने खुद भी इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि जी जो मईशत है वो इतनी बेहतर नहीं है। और इसहाक डार साहब की जानिब से जितनी भी ब्रीफिंग की जाती थी या जितनी भी चीज़ें की जाती थी डेफिनेटली उसमें यही कहा जाता था कि नहीं हम तरक्की कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब पाकिस्तानी रुपए में गिरावट सामने आई है
तो उसका एतराफ भी कर लिया गया है और बहरहाल ये गिरावट तो हो गई है, तो इससे हमारी मईशत को नुकसान पहुंच सकता है। और हुकूमत का इसके ऊपर जो स्टांस है वो स्टांस ये है, हुकूमत ये कहती है कि जी धरनों ने मुल्की मईशत को जो है मुस्तहकम नहीं होने दिया, मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है, अपोजिशन ने जितने भी इकदाम किए उसकी वजह से ये सारी सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल इतने अरसे से नून लीग की हुकूमत थी, इनको गुड गवर्नेंस करनी चाहिए थी लेकिन ये गुड गवर्नेंस नहीं करती। चले जनाब, ओवरऑल जो सिचुएशन है वो तो आपको सबा वाजे कर चुकी हैं। अब एक यहाँ पर बड़ी जो अफसोसनाक खबर ही कहूँगी मैं, क्योंकि अफसोसनाक इसलिए कि क्रिकेट के दीवानों के लिए एक अच्छी खबर तो नहीं है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो है अपनी मीटिंग के बाद इस चीज़ को वाजे कर दिया, जो फ्यूचर प्लान उन्होंने बनाया है उसमें ये कह दिया है कि अगले 4 सालों तक भी पाक भारत सीरीज नहीं होगी। जबकि दोनों ममालिक में रहने वाले लोग ये ज़रूर चाहते हैं कि ये सीरीज़ हो, और हमारे लिए इंटरटेनमेंट के लिए एक यही 2-3 हमारे पास चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान और भारत जब भी कभी मैदान में उतरते हैं तो लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, बड़े जोश के साथ जो है वो ये मैच देखते हैं। लेकिन उन लोगों ने फाइनल कर लिया है कि जी हम जब तक पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो सिफारती सतह पर बेहतर नहीं हो जाते तब तक क्रिकेट में भी जो है वो हम आगे कोई पेशरफ नहीं कर सकते। तो एक तो खबर यहाँ पर ये लगाई गई है, जबकि आपको ये भी बताते चले कि जो पाकिस्तान और भारत की सीरीज है उसका बकायदा तौर पर जो ये मुनकता हुई हुई है 2007 से हुई हुई, और वैसे जो ताल्लुकात हैं क्रिकेट के हवाले से वो ख़राब हम देख रहे हैं 2012 से ही चल रहे हैं, तो अच्छी खबर नहीं है ये BCCI ने जो भी फैसला किया है BCCI की जानिब से, तो फ्यूचर जो भी उनका टूर प्लान है उस हवाले से उन्होंने ये चीज़ यहाँ पर जो है ना लगती है वो ये है कि जब 2018 में इलेक्शन होंगे और दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो उसके बाद जो है डेफिनेटली पॉलिसी चेंज होगी, और जब पॉलिसी चेंज होगी तो मुझे लगता है कि जो भी हुकूमत आएगी, जो नई गवर्नमेंट आएगी या जो भी आए, वो मेरे ख्याल में दोबारा से नेगोशिएशन करेगा, और जो BCCI है और हमारा जो PCB है डेफिनेटली ये मिलके दोबारा बैठेंगे और सीरीज के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि पाक भारत मैचेस से ही तो जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है इंटरनेशनल, डेफिनेटली ICC और दीगर दीवाने जो है पाक भारत मैच के बड़े। अच्छा, क्रिकेट के हवाले से आपने बात की है तो जरूर जाते जाते सेक्शन को खत्म करते करते हम बात करेंगे विराट कोहली के हवाले से, जो कि फाइनली रिश्ता अहमदाबाद में बन चुके हैं और बॉलीवुड हसीना के साथ उनकी शादी की बड़ी जबरदस्त सी तकरीब हुई है, और मेरा ख्याल है कि आप लोग भी बड़े उस तकरीब को लेकर एक्साइटेड होंगे। वेल अभी तो शुरुआत है इन तमाम फेस्टिवल्स की, इंशाल्लाह आगे और मजीद भी फेस्टिवल्स होंगे। मुंबई में एक फेस्टिवल होने जा रहा है, रिसेप्शन दिया जाएगा विराट कोहली की जानिब से, जिसमें वो तमाम अपने स्टार्स को और दोस्तों को और जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं और जितने भी उनके दोस्त अहबाब हैं उनको बुलाएंगे। क्रिकेटर्स के लिए तो उन्होंने 26 दिसंबर को फैसला किया है कि प्रॉपर एक इवेंट किया जाएगा, जबकि 21 दिसंबर को बकायदा तौर पर मुंबई में तमाम लोगों को इनवाइट किया जाएगा और ये सिलसिला जो है अब फंक्शंस का जारी रहेगा। anyway. सबसे इंपॉर्टेंट वही उनका रिसेप्शन होगा, क्योंकि उसी के ऊपर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि अभी तो उन्होंने अपने घर वालों को बुलाकर और बिल्कुल एक फैमिली मेंबर्स के दरमियान में जो है वो फैमिली मौजूद थी, लेकिन उसमें हमारे तमाम जो स्टार्स हैं चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से हो चाहे क्रिकेट इंडस्ट्री से हो, वो लोग तमाम 26 दिसंबर को जो है वो मुंबई में फंक्शन अटेंड करेंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब और मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर हमारे नुमाइंदे यासिन नजर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस्लामाबाद में आज क्या एक्टिविटीज होने जा रही है, कौन कौन से इवेंट्स हैं। जी यासिन, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज भी शहर इक्तदार में जिस तरह कल कौमी असम्बली और सेनेट के धुआंधार इजलास थे, आज भी वो दोबारा शुरू होंगे। कल जो 24वीं आइनी तरमीम थी उसको पेश नहीं किया गया था, आज सेनेट के इजलास में ये पेश किया जाएगा, जबकि कल भी जो सेनेट का इजलास था कोरम पूरा ना होने और एहतजाज की वजह से मुलतवी कर दिया गया था, आज यही इजलास जो है दोबारा शुरू होगा। इसीलिए इसके साथ साथ फाटा असलात के हवाले से जमात इस्लामी का जो एहतजाज है वो भी इस्लामाबाद आज होगा, जो फैज़ाबाद के मकाम पर 10 बजे शुरू होगा। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट में कटासरा जो रदीबिया पेपर मिल जो केस हैं उनकी भी समाअत होनी है, इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर केस की समाअत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुख्तलिफ केसेस की समाअत है, और इस्लामाबाद में पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कन्वेंशन भी आज हो रहा है कन्वेंशन सेंटर में। इसके साथ आपको शहर इक्तदार के मौसम के बारे में बताएं, गुज़श्ता रोज़ से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और जिसकी वजह से मौसम जो है इंतहाई खुशगवार है। इर्द गिर्द के जो पहाड़ हैं जिस तरह मरी और गिलियात का जो एरियाज हैं वहाँ पर भी कल रात से बर्फबारी का जो सिलसिला है वक्तन फवक्तन जारी है, और गिलियात जो बिल्कुल सही कह रहे हैं बर्फबारी का सिलसिला बिल्कुल जारी है। और कल मैं जब आज न्यूज़ के पैकेजेस देख रही थी तो मैं देख रही थी लोग कितने मजे से इंजॉय कर रहे हैं, तो चले जी टूरिज्म बढ़ा है, दिस इज़ वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे बढ़कर बात करेंगे, हुमा बाके मौजूद होती हैं हमेशा की तरह लाहौर में, और आज उनके पास क्या खबरें हैं, आज क्या अपडेट से ये जानते हैं हुमा भट्ट से। हुमा भट्ट, गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग, आज और खबर में सबसे अहम खबर तो यही है कि लाहौर का मौसम बहुत ही सुहाना है और लाहौर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, कल से जो बारिश हो रही थी बारिश के बाद से अब यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और बहुत ही खूबसूरत मौसम है कि इस मौसम को
बेहतरीन तरीके से इंजॉय किया जा सकता है। बल्कि इसमें साथ साथ ये भी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो बहुत दिनों से नज़ला, जुकाम और बुखार में मुब्तला थे, तो अब इन बादलों से वो जो परेशानियां हैं, जो जैसे कि सभा को भी है, तो जो परेशानियां हैं इस तरह की, वो यकीनन ख़त्म हो जाएंगी और वो दूर हो जाएंगी और अब जो है मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा है, सो इन्जॉय करने का मौका बहुत अच्छी तरह मिल सकता है। और इवेंट्स का जिक्र करूँ तो इवेंट्स में सबसे बेहतरीन इवेंट, क्योंकि आजकल मौसम यकीनन अच्छा हो चुका है, सर्द मौसम है, गर्मी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। पंजाब भर में लोड शेडिंग होती है जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान रहते हैं कि सर्दियों में तो सुना था और दावे सुनाए जा रहे थे कि भाई लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन अभी तक लोड शेडिंग वही की वही है। सो आज यहाँ पर लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया, अब लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन सर्दियों में भी लोड शेडिंग लाहौर में? बिल्कुल, यही तो दावे तो करने के लिए होते हैं और वो दावे किए जाते हैं, जो दावे कर दिए जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर नजर कुछ नहीं आता, जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो कुछ डिफरेंट ही होती है। चले, बहुत शुक्रिया हम आप हमें अपडेट कर रही थी लाहौर से, जहाँ पर ना सिर्फ लोड शेडिंग की जा रही है बल्कि गैस की भी लोड शेडिंग की जा रही है, और गैस की लोड शेडिंग से बचने के लिए लोग बड़े बड़े सिलेंडर्स घर में लेके आ रहे हैं, जो की बड़ी डेंजरस चीज होती है, तो बड़े एहतियात के साथ इन चीजों को यूज किया करें, क्योंकि अक्सर जो इतलात आ रही है, जो रिपोर्ट भी हो रही है, हम लोग जो खबरें भी बता रहे होते हैं उसमें भी ये हमें इतला मौसूल हो रही है कि सिलेंडर फटने से लोगों की जाने जा रही हैं, और तो बड़ा केयरफुल रहें, बहुत ध्यान रखें इन तमाम चीजों का। तो मजीद जो है वो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे और भी बहुत सी स्टोरीज अपने शो में शामिल करेंगे, लेकिन यहां पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग फॉर बारे में। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। तो जनाब गुड मॉर्निंग आज में अब टाइम आ गया है एडिटोरियल का, जिसकी डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मौसम बड़ा जबरदस्त है, आज सुबह से ही मैं और अनम जो है मौसम के बारे में बात कर रहे हैं कि जी लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं, जबरदस्त किस्म की बर्फ है गिलियात में, मरी में। ये बताएं कोई एडिटोरियल वगैरह इस हवाले से आया है? बिल्कुल, मैं यहाँ आया था तो मुझे लगा कि बर्फबारी यहीं हो रही, जितना आप दोनों खुश थी बर्फबारी के हवाले से खबरें पढ़ती हूँ। हाँ। तो ये वाकई में इस वक्त मरी में बहुत अच्छी, मैं सुबह देख रहा था 4 से 5 इंच बर्फ जो है वो जमा पड़ चुकी है मरी में रात भर में, तो लोगों के लिए हमारे लिए एक बड़ी तफरी का मौका होता है, लेकिन इस हवाले से एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं। जितनी आप खुश और जोश में, इस तरह तमाम पूरा पाकिस्तान के ज़्यादातर अक्सरियत आवाम जोश में आती है कि हम बर्फबारी का नज़ारा करें, और जो दर्जोग लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस ने भी वार्न किया है कि आप आएं तो पेट्रोल गाड़ियों में आएं और अपनी बैटरीज को देखते हुए आएं, ये ना हो कि आप बर्फ में गाड़ी खड़ी करके सेल्फियां बना रहे हो, क्योंकि हमने देखा था लास्ट टाइम भी ये को बजाय तफरी के लिए लोगों के लिए एक अजियत बन गई थी, क्योंकि अजदहम तक गाड़ियों का ट्रैफिक जैम में फंस गए थे लोगों ने, पूरे 24 घंटे आपने देखा होगा फंसा थे। तो लेकिन अब ये मौसम है, इसको इंजॉय करें, सबका हक है, लेकिन तरीके से अपनी एहतियाती तदाबीर को मलहूज़े खातिर रखें। तो हम जरूर इस एकदम का शेयर तो हम जरूर हुकूमत को देंगे कि उन्होंने वहाँ पे मोटरवे बना दिया, नहीं तो पहले जो रोड जाती थी मरी को वो उस रोड तो वाकई बड़ी खतरनाक होती थी, और अगर वो जाम हो जाए तो एक तरफ से आने वाला दूसरी तरफ से जा नहीं सकता था, पर अब जो उन्होंने मोटरवे बनाई है वो वाकई में बड़ी जबरदस्त है, तो इस काविश को हम जरूर गवर्नमेंट की कराएंगे भी। नवी साहब, मौसम अच्छा हो तो फिर खाने पीने की बात ऐसा हो सकता ही नहीं है कि हम बात ना करें, लेकिन कुछ खाने पीने की आप बातें कर रहे थे, जो शादी हॉल्स में खाने दिए जा रहे हैं उस हवाले से कुछ अच्छी आ रही, कुछ इदारी आए हैं शादी हाल के हवाले से। हमने देखा कल एक गुलिस्तानी जौहर में एक शादी हाल आजकल उनकी बर्बादी भी हो रही है, जो तजावजात पे आपने देख रहे हैं कि खूब मसमार किए जा रहे हैं, खासकर शादी हॉल्स, और उसमें कल गुलिस्तानी जौहर में एक ऐसा शादी हॉल भी गिरा दिया गया जिसके बकौल उनके वकील के कि वो बिल्कुल जायज़ था, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आए, बाद में जो कि वहाँ सुपरवाइज कर रहे थे उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने कहा कि हम इसे कंपेंसेट करेंगे, लेकिन खबरें आ रही हैं कि शादी हॉल में ये एक बड़ी वार्निंग दी गई है कि शादी हॉल में जो खाना सप्लाई हो रहा है वो ज़्यादातर मुज़र सेहत होता है, उसके हवाले से तमाम तर इंतजामिया की इदारे अखबार ये कहते हैं कि इंतजामिया की तवज्जो जो है वो मसमारी की तरफ लग गई है कि नाजायज तजावजात हैं, इनको मसमार कर दिया जाए, ये नहीं देख रहे कि बाज ऐसे भी इतलात हैं कि वहाँ जो कैटरिंग के लोग आते हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो बीमारियों मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं, खाने वो बना रहे होते हैं, कोई हिफ्जान सेहत के उसूलों को देखा नहीं जाता, खाने भी मुजरे सेहत है और बच्चे कुछ खाने भी। 2-3 एडिटोरियल्स थे जो जंग में पब्लिश किए गए थे कि जी नाकिस खुराक और खाने हमारे यहाँ इतने अब आम हो गए, इवन बड़े बड़े टॉक शोज में भी ये मामला उठाया था, आखिर जब पता है कि जी घी नाकिस है, खाने नाकिस है, अनहाइजीनिक तौर पर लोग बना रहे हैं, उन्हें तरह तरह की बीमारियां हैं, तो फिर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा जाता? जब पंजाब में फूड अथॉरिटी इतनी एक्टिव है, वहाँ पर इंस्पेक्टर है, तो कराची में क्यों नहीं फूड अथॉरिटी? बिल्कुल ठीक है, 329 में से 200
279 जो हाँ। है वहाँ उनको उन्होंने वार्निंग दी है और कुछ के चलान भी किए हैं वहाँ पे। और आप पंजाब की आपने जिक्र कर दिया, तो गुजरांवाला में जो चिड़े लोग बहुत शौक से खाते हैं उसके हवाले से भी मैं देख रहा था कि वो चिड़े की जगह वो कौवे पकड़ रहे हैं, कोयल्स पकड़ रहे हैं, मैना पकड़ रहे हैं, और वो इतने से, क्योंकि ये देखें इस एक सवाल उठता है कि इंतजामिया के हवाले से आवाम की भी जरूरी है आगाही। देखिए आप इतना सा चिड़ा अगर आप शौक से खा रहे हैं, इतना बड़ा परिंदा, तो आपको खुद एहसास नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे थे सर। मैं जब यहाँ कराची आई हूँ ना, तो कराची आने के बाद कराची वालों ने मुझे बड़ी कहा है कि आपके तो पंजाब के अंदर जनाब कुत्ते का गोश्त मिलता है, गधे का गोश्त मिलता है। तो मैं यही सोच रही थी कि वहाँ पे फूड अथॉरिटी एक्टिव है तो लोगों को पता चल रहा है, यहाँ पर तो अभी तक कुछ एक्टिव नहीं हुआ, लोगों को नहीं पता चल रहा वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। ये तो आप जाके हॉस्पिटल देखें, आपको केसेस पता चले, तो आपको सिचुएशन पता चले कि यहाँ पर भी किस हद तक मुझे सेहत तो फूड अथॉरिटी फिर कौन बनाएगा कराची में। देखिए ना आप, मैं ये कहता हूँ कि जब अदलिया हर चीज अदालत पर डाल देते हैं कि अदालत क्या हर चीज आगे रोड पर जो कचरा उसका भी नोटिस अदालत ले रही है, इंतजामिया क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, फिर जब आप इस केस में देख लें, पानी के हवाले से देख लें, जब सरजनिश की गई तो वजीर आला ने छुपे लफ्जों में खुद अदालत पर ही तनकीद कर दी कि आप वहां क्यों नहीं देख रहे पंजाब का पानी पिलाएं मुझे। आप ये बात करने की, आप ये देखें कि आप लाड़काना में साफ पानी दे रहे हैं, पंजाब में पानी गदला आ रहा है, गंदा आ रहा है, हिफाज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं है, वो उसको रहने दें, वो उनका मसला है, आप अपना मसला ठीक करें, हम हमारे मसले होते हैं, हम दूसरे पे ब्लेम गेम, ये इससे काम खराब हो रहा है। जो है ना इनके पास और कुछ नहीं होता, एक दूसरे के सूबों पे डालते रहते हैं। अगर आप पीटीआई की बात करें तो वो केपीके में पुलिस रिफॉर्म्स की बात करती है और इमरान खान साहब कहते हैं पंजाब की पुलिस ऐसी है। अगर सिंध की बात की जाए तो वो कहते हैं जी हमारे शहरों में इतने पार्क्स हैं, आपके पास इतने पार्क्स हैं, तो बस ये एक दूसरे का ऐसे सिलसिला है। इसके अलावा इनको और कुछ नहीं करने का, बस इनको ये है कि 2018 आ जाए और किसी तरीके से वोट्स हासिल हो जाए, उसके बाद फिर वही आवाम जो है पीछे होगी और सियासतदान आगे आगे होंगे और हम फिर दोबारा से टॉक शो कर रहे होंगे और बात कर रहे होंगे जी, फिर मसला झूका तू है अगला एडिटोरियल जी डीएडी कर दिया था यानी हालात बदलते नहीं है हम लोग वाकई में नहीं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हो सकता है कि अब देखें इलेक्शन आ रहे हैं, अभी हो सकता है कुछ बेहतर आ जाए और लोग अच्छे आ जाए। मैंने एक ट्वीट भी की थी कि कुछ भी कीजिए लेकिन कराची का कचरा साफ कर दीजिए, कराची को साफ कर दीजिए, ना कीजिए आप कोई और रिफॉर्म, लेकिन एटलीस्ट हमें एक सेफ सिटी। चलिए नफी साहब ऑफ द रिकॉर्ड में आपसे उस उम्मीद की किरण के बारे में जरूर पूछूंगी, अगला इदारिया बताइए। बिल्कुल जंग का इदारिया इदारती नोट है, खून सफेद क्यों। हमने देखा 5 दिसंबर को मलीर सऊदाबाद में एक बड़ा ही होलनाक वाकया हुआ कि बहन ने, सगी बहन, बड़ी बहन ने छोटी बहन को कत्ल कर दिया। ये जो जिसने भी सुना नाकाबिले यकीन नाकाबिले फहम था ये कि कैसे ऐसा हो गया, और वही बहन जिसका नाम अलवीना था जिसने अलीना को कत्ल किया, उसका कहना ये है, पहले तो उसने खुद कहा कि नहीं डाकू आए और हमें और ये मार दिया और उस बहन छुरी लेके आई, उसी छुरी से उसे मार दिया, सब ने यकीन भी कर लिया इस कहानी को, लेकिन जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो सामने आया कि बड़ी बहन ने छोटी बहन को इसलिए मार दिया बकौल उनके कि वो उसे ब्लैकमेल करती थी। यहाँ जो सबसे बड़ा जो इन्वेस्टिगेटिव जो ऑफिसर थे उन्होंने भी ये बात उठाई, उन्होंने कहा कि वालदेन की बेतवज्जही औलाद की जानिब, और उनके पास जो सेल थे वो इतने महंगे सेल थे, वो खुद इतने मतलब तबके के से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उनके बच्चियों के पास सेल जो हैं वो बहुत महंगे सेल थे, स्मार्टफोन थे, वो कहाँ से आए, क्या वालदेन अपने बच्चों पर तवज्जो देना क्यों उन्होंने इस पे तवज्जो नहीं दी जो इतना बड़ा वाकया बना। इस हवाले से स्मार्टफोन को बहुत ज्यादा इल्जाम दिया गया। इधर पर हम ये बात कर रहे हैं कि एक बहन ने बहन को कत्ल कर दिया, मेरे ख्याल में इस तरह की बहुत सारी खबरें आई, लेकिन ये वाकया जो है ना वो दिलों में और दिमाग में इसलिए रह गया कि ये इतनी सफाकी के साथ एक बहन को कत्ल किया, और उसकी वजह ये थी कि एक बहन को ब्लैकमेल कर रही थी। हमने सुना था कि कोई दुश्मन कोई दोस्त किसी को ब्लैकमेल कर रहा होता है, लेकिन एक बहन को कैसे ब्लैकमेल कर सकती है। और ये पहला वाकया था जिसमें SSP जो कोरंगी थे वो जब ये वाकया बयान कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन बता रहे थे, तो वो खुद भी आपदीदा थे। इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मैं, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज, और कुछ बात कर लेते हैं हम करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। मुल्क के खजाने के साबिक वजीर इसहाक डार मुसलसल गैर हाजिरी के बाद इश्तहारी करार दे दिए गए हैं। एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासे बनाने के मुकदमे में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की जमानत को 50 लाख रुपए जमा कराने का हुक्म दे दिया है, जबकि रेफरेंस की अगली समाअत जुमेरात को होगी, अगर वो फिर भी पेश ना हुए तो उनकी जायदाद भी कर ली जाएगी।
अदालत ने बार बार तलब किया मगर हर बार हाजिर न हुए। इसहाक डार की मुसलसल गैर हाजिरी की वजह बनी उनकी बीमारी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आमदन से जायद असासा जात केस की समाअत शुरू हुई तो डार साहब की गैर हाजिरी पर वकील ने इसहाक डार की नई मेडिकल रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि दिल की तकलीफ है, शरियाने भी बंद हैं, इसलिए हाजिर नहीं हो सकते। नए प्रोसिक्यूटर ने मुखालफत की और कहा इसहाक डार को दिल की कोई तकलीफ नहीं, मुलजिम को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दिया जाए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद नैब के वकील की इस्तदा मंजूर कर ली को इश्तिहारी करार देते हुए जुमेरात तक पेश होने का आखिरी मौका भी दे दिया। फाजिल जज ने हुक्म दिया इसहाक डार इस बार भी पेश न हुए तो जायदाद कुर्की कर ली जाएगी। अदालत ने इसहाक डार की अदम मौजूदगी में ट्रायल जारी रखने का फैसला सुनाते हुए 14 दिसंबर तक शहादतें तलब कर ली। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसहाक डार को ट्रायल कोर्ट में हाजिरी से इस्तस्ना देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर भी नैब को 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। चले जनाब इसहाक डार के हवाले से आपने जाना है कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है। बार बार तलब करने के बावजूद इसहाक डार अदालत में पेश नहीं हो पा रहे। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन लाइन पर मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? मेरा ख्याल है हमारा रब्ता उनके साथ मुनकता हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे पास नफीस नईम साहब यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। नफीस साहब, ये जो सिचुएशन बन चुकी है, बार बार अदालत उन्हें तलब करती है और हर मरतबा अपनी मेडिकल रिपोर्ट पेश कर देते हैं और पेश नहीं हो रहा अदालत में, आपको क्या लगता है कि वाकई में वो हार मान चुके हैं पहले से कि इस केस में तो मैं नहीं बचता? देखें, इसहाक डार के पास जो है दो रास्ते हैं, या तो वो वापस आके केस का सामना करें या वापस ना आए। अब वापस आते हैं वो, क्योंकि अदालत ने उनका इस मौकफ को मुस्तरद कर दिया है। उनके वकील ने, प्रोसिक्यूटर ने भी कहा कि ये बहाना कर रहे हैं, बीमार रही हैं, लेकिन उनके वकील कहते हैं कि मज़ीद रिपोर्ट्स का इंतज़ार है, हमें वो देने दीजिए और नैब से इसकी तस्दीक कराइए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। जो ये एब्सकॉन्डर करार देने से पहले ये बहस हुई थी, लेकिन इधर ही डिस्कशन को रोकते हैं। हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग, आज कैसे हैं आप? जी बिल्कुल सर, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है हमारे सीनियर सहाफी नफीस नईम साहब, आपसे सवाल करना चाहेंगे। जी नफीस भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। नफीस भाई। जी सर, इसहाक डार साहब तो एब्सकॉन्डर करार दे दिए गए हैं और साथ हम देख रहे हैं कि रुपया भी गिरावट का शिकार है, डॉलर जो है वो शूटअप हो गया है, तो आप क्या समझते हैं इस मझधार से अब कौन निकालेगा कौम को? देखिए, एक तो बड़े अफसोस की बात है कि एक शख्स जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर से कुछ महीने पहले, वो अब एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिए गए हैं, वो मुल्क छोड़ के भाग गए हैं, वो अपने खिलाफ जो इल्जाम हैं उनके उनको उनके ऊपर सफाई नहीं पेश कर सके और मुल्क से भाग गए, बहाना बना के कि वो बीमार हैं। इसके अलावा दास साहब की अब जब गए हैं तो इनकी 4 साल कारकर्दगी जो है वो वाजे तौर पर सामने आ गई है कि इन्होंने इकॉनमी में कितना मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने नून हुकूमत ने 4 साल से इन्होंने जो डॉलर को और रुपये को रोका हुआ था, एक्सपोर्ट जो है वो गिर गई, मुल्क इसका कर्जों में जकड़ा हुआ है और अब आखिरकार 4 साल के बाद इनको रुपए को गिराना पड़ रहा है और जल्दी जल्दी गिरा रहे हैं। मतलब है कि 105 रुपए से 108 रुपए पे ये 2-3 दिनों में आ गया है, जब लोग कह रहे हैं कि 110 को भी क्रॉस कर जाएगा। और इसके अलावा इस मईशत के लिए कोई ऐसे स्टेप नहीं उठाया जा रहा है जिससे मईशत स्ट्रांग हो, जिससे मुल्क की मैनुफैक्चरिंग बेस स्ट्रांग हो, नौकरियाँ मिले। ये तो बिल्कुल एक अजीब किस्म की हुकूमत थी जिन्होंने कर्जे ले लेके अपने 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 बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जिसमें से कमीशनें खाई, और ये तो एक पूरी स्कीम थी मुल्क को लूटने की मेरे हिसाब से। अफसोस है, इन शहरों को संभालने के लिए अब एक, हम हमेशा से कहते हैं इस हुकूमत का काम नहीं है, ये अब एक नई इलेक्शन होनी चाहिए, एक नई मुंतखब हुकूमत आनी चाहिए जो आवाम पसंद से आए, और इनकी मैंडेट अब खत्म हो चुकी है। तो सर, क्या आप कबल वक्त इलेक्शन को के तायद करते हैं, कबल वक्त इलेक्शन होनी चाहिए या फिर इलेक्शन टाइम पर होना चाहिए? क्योंकि हम सुन रहे थे कि इमरान खान साहब का भी ये मौकफ है कि या तो कबल वक्त इलेक्शन हो या इलेक्शन वक्त पर हो, लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि अपोजिशन के हलकों से आवाज़ें उठ रही हैं कि, और ये भी तजज़ियेकार ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में ताखीर हो सकती है, तो आपका क्या मौकफ है?
इलेक्शन में तखीर जो आईनी मुद्दत से तखीर तो बिल्कुल बगैर आईनी है, नामुनासिब है, नहीं होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आप ये कोई जरूरी नहीं है कि 3 जून तक इस हुकूमत को चलाएं और मुल्क का मीशत को मजीद डैमेज हो। हम चाहते हैं कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि फौरी तौर पर बड़े अहम फैसले करने हैं, अंदरूनी खतरात हैं, बैरूनी खतरात हैं, फौरी तौर पर इलेक्शन होनी चाहिए। आप समझते हैं इमीडिएट इलेक्शन होनी चाहिए, मगर किसी सूरत में भी आइन की किसी शिक से भी आपको इख्तलाफ है। अच्छा सर, इलेक्शन की बात आ रही है तो आप भी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन साथ में हम देख रहे हैं कि पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी के जहाँ तक ताल्लुक है इत्तेहाद का इलेक्शन इलेक्टोरल अलायंस के हवाले से, वो तो कहते हैं कि जरदारी साहब के होते हुए हम पीपल्स पार्टी के साथ चलने पर कतई राजी नहीं हैं, तो ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि सियासत में तो दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते हैं। इस वक्त हमारा फैसला है कि हमने किसी से इत्तेहाद नहीं करना, हमने कोई इलेक्शन अलायंस नहीं करना, हमने इलेक्शन लड़नी अपने जोर पे क्योंकि हम तो स्टेटस को के खिलाफ है और इसका कोई इसमें सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, हम किसी और पार्टी से अलायंस करने का हमारा इरादा बिल्कुल नहीं है। और आपका ख्याल है कि हम स्टेटस को के खिलाफ हैं तो जो 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 बातें स्टेटस को का हिस्सा रही हैं उनके हम उनके भी खिलाफ हैं। अच्छा सर, आप जो आप अपने इलेक्शन के दौरान जो है अभी अब देख रहे हैं हम सॉरी तकारीर के दौरान इमरान खान साहब जो हैं वो अब गो नवाज गो तो हो गया बकौल उनके, अब वो अपने मैनिफेस्टो पेश कर रहे हैं इलेक्शन का, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आप सिर्फ हम धमकियां दे जा रही हैं कि हम नैब के एक्स चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि फाइनेंस के हवाले से हमारे मसाइल हैं, आपका लाहे अमल क्या है और आप कितने उम्मीद हैं कि इमरान खान जो है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे इस मुल्क के? मुझे तो मुकम्मल यकीन है कि अगले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं। मैं आपको ये अर्ज करूं कि आप कहते हैं ना, आप कह रहे हैं इसको हम पकड़ लेंगे उसको हम पकड़ लेंगे, भाई वो जो मुल्क को लोग लूटे हैं और जो इत्तेफाक के इदारे हैं वो चुप करके बैठे रहे, उनके साथ मिल जाए तो आप क्या समझते हैं कि हम चुप रहे? क्यों चुप रहे? क्या अभी तक जिन लोगों ने इस जमहूरियत का नाम लेते लेते इन्होंने करप्शन किया है उनके खिलाफ हम चुप नहीं रह सकते? हमें अपने आवाम की, गरीब आवाम की, उन जिनका पैसा लूटा गया है टैक्स पेयर्स का, हमें उनका दर्द है, हम चुप नहीं रह सकते। और हमें हम समझते हैं कि जिन्होंने पैसा लूटा है उनकी उनका इतराब होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हम बात मजीद मैनिफेस्टो पूरा पेश कर रहे हैं जिसमें डेवोल्यूशन एक बहुत अहम चीज है, इदारों को इंडिपेंडेंट करना एक बहुत अहम चीज है, टैक्स कलेक्शन एक बहुत अहम चीज है, मईशत को इस बुरान से निकालना जो है वो है हमारे मन। बहुत शुक्रिया। चले जी, जहांगीर तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और ओवरऑल जो पीटीआई का सब पर मौकफ है वो तो हमने जाना है, जबकि हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त ऑलरेडी पीटीआई खुद भी कुछ केसेस से निमट रहे हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब खुद हों या फिर कप्तान साहब हों, से भी हमने देखा कि इन्हें अवार्ड मिले। तो ओवरऑल ये बहुत हमारे जो पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के बेताज बादशाह भी हैं, लेजेंड भी हैं और आर वेरी ओन ज़ुहैब हसन इज इन आवर शो टुडे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बस आप कैसे हैं? आप लोग ठीक हैं? मैंने कहा माशाल्लाह आप लोग इतने चेयरफुल होते हैं सुबह। हां, विदाउट एनी, यू गॉट योर टी। तो क्या कहते हैं, नो आई मीन इट्स लवली टू बी हियर एट आर्च टीवी एंड आई हैव कम हियर बिफोर आल्सो। एंड बहुत अच्छा होता है जब मैं एक्चुअली पाकिस्तान में, आपको पता है मैं रहता नहीं हूँ, मैं एक्चुअली लंदन में रहता हूँ, तो जब भी मैं आता हूँ तो नेचुरली बहुत कम टाइम के लिए मैं आता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है वापस घर आके। और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है जब आपके जैसे लेजेंड्स हमारे शो के ऊपर आते हैं, तो बिल्कुल जितने भी देखने वाले हैं मेरे ख्याल में वो स्टक हो जाते हैं कि जी आज गुड मॉर्निंग, आज में ज़ुहैब हसन हमारे साथ है। अच्छा, इस दफा आप आए तो कुछ स्पेशल बात भी है और वो स्पेशल बात यह है कि आपकी वीडियो आ रही है और उस हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपकी पूरी एल्बम है इसके पीछे जो है कितना टाइम लगा और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसके कुछ सॉन्ग्स के बारे में बताएं। एक्चुअली ये जो एल्बम है काफी सालों से चल रहा है और क्या कहते हैं ऑन एंड ऑफ, इरादा था कि इसको मैं विद इन 6 मंथ ख़त्म कर लूं, बट आपको पता है क्रिएटिव चीज़ कैसी होती है, टाइम लगता है उसके अंदर। और करते करते फिर मैंने शुरू किया, फिर बंद किया, फिर शुरू किया और अब मैं म्यूज़िक में इतना नहीं हूं जितना होता था। आई एम आल्सो इन बिजनेस नाउ और उससे पहले जब मैं पाकिस्तान में था आई वॉज एडवाइजर टू गवर्नर सिंध फॉर ऑलमोस्ट 8 ईयर्स।
अच्छा, तो ये लोगों को पता नहीं है, लोग समझते हैं कि मैं खाली गाना गाता हूँ। सब कुछ ओवरऑल आपने तकरीबन ये 10 साल का ब्रेक लिया और उसके बाद आप वापस आ रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इस एल्बम से? क्योंकि अभी हमने देखा यूट्यूब पे भी आपका जो सॉन्ग है उसको जो अभी हम लोगों ने प्ले भी किया था, बड़े बेतहाशा लाइक्स, मिलियंस में लाइक आना शुरू हो चुके हैं। बस आई थिंक यू नो इट्स यू नो पब्लिक के ऊपर होता है, बिकॉज ये बिजनेस जो है इसके अंदर अप्स एंड डाउन इतने होते हैं और आपको कभी नहीं पता होता कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे और लोगों को पसंद आएगा कुछ या नहीं आएगा। सो आई एम लकी इन दैट वे कि ये जो अभी नया जो निकाला है सिलसिले डायमंड, अच्छा डायमंड का नाम, डायमंड उनका नाम है, तो मैं काफ़ी हंसता हूँ जब भी उनको मैं कहता हूँ डायमंड, हाउ कैन यू कॉल समबडी डायमंड, बट दैट्स हिज नेम। डायमंड वर्क भी है, तो बेसिकली ही इज़ वर्क विद अपाची इंडियन एंड स्टेरियो नेशन एंड शनाया ट्वेन, हाँ, तो उसने तो वी गॉट टुगेदर एंड ही सेड लुक आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू योर म्यूजिक विद यू, डू समथिंग, तो लेट्स डू समथिंग। अच्छा, तो ये जो डायमंड है इन्होंने इतनी ज़बरदस्त दूसरे लोगों के साथ में भी काम किया है, बड़े ब्रांड्स के साथ में भी काम किया है, डेफिनेटली बड़े बड़े ये सिंगिंग ग्रुप्स हैं, तो इस दफ़ा क्या इन्होंने आपके एल्बम के साथ में चेंजेस किए हैं, क्या कॉन्सेप्ट डाला है, क्या मीटिंग रही है आप तीन से, किस चीज़ के ऊपर आपने सारी बात? आई थिंक ओवर टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट के यू नो एज अ आर्टिस्ट आप मैच्योर करें एंड आई थिंक the music does sound more mature now. अगर आप खुद सुने तो I think it's moved on. वो teeny bop music नहीं है जैसे वो teen music जो होती थी, I think और you know मेरी कोशिश थी कि इसको जो है ना इसके अंदर थोड़ी सी depth और आए music के अंदर, and I think this is we've been able to achieve that to a great extent. And I think you know as a musician you must grow over time. You must learn new things, new ideas, you know, definitely new technologies. आपने music किया है, pop से start किया था। अच्छा ज़ुहेब, जब आप लोगों ने start किया था और पाकिस्तान में आप ये pop trend लेकर आए थे, आप क्या पी रही हैं? चाय पी रही हैं? Obviously आपने मुझे चाय offer नहीं की। बिल्कुल, अभी आपको चाय मंगा के देते हैं। ज़ुहेब के लिए चाय लेके आइए please। चलिए ज़ुहेब, overall ये जो आपका सारा चुनौती है, मजाक कर रहा हूँ। नहीं, हमने कह दिया आपकी चाय जरूर पहुंचती होगी। अच्छा ज़ुहेब, म्यूजिक के हवाले से कुछ बात करना चाहूंगी। आपने अभी खुद कहा है कि म्यूजिक ओवर द टाइम पीरियड काफी हद तक बदला है, आप समझते हैं कि पॉजिटिव चेंज आया है हमारे म्यूजिक में, या फिर आप समझते हैं कि नहीं अब सिर्फ शोर शराबा ज्यादा है, वो गायकी ही खत्म हो गई है, वो जो आर्टिस्ट हुआ करते थे जो वाकई में गाने लिखते थे गाने बनाते थे वो कम रह गए? नहीं, आई थिंक बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में और आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट जो है दे मस्ट सपोर्ट दिस एज एन इंडस्ट्री, वो अभी तक नहीं आ रही है चीज़, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई वाज जब मैं यहाँ पाकिस्तान में रह रहा था तो उस वक्त मैंने काफ़ी इवेंट्स किए थे, आई डिड द मीडिया एंटरटेनमेंट एक्सपो, उसके ऊपर आज टीवी ने भी स्टॉल लगाया था, अच्छा। और आई कॉल्ड ऑल द चैनल्स टू पाकिस्तान, ये मैंने एक्सपो सेंटर में किया था, कोई 6-7 साल किया था मैंने, और एंड उसका आइडिया ये था कि वी क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर द इंडस्ट्री, प्लेटफॉर्म कोई नहीं था, और आर्टिस्ट जो है आई थिंक इट वॉज यू नो आर्टिस्ट इधर से उधर जा रहे थे, भटक रहे थे, यू नो ट्राइंग टू गेट सम काइंड ऑफ यू नो कोहिजन विद इन द इंडस्ट्री, और टैक्स ब्रेक्स भी नहीं मिल रहे थे इंडस्ट्री को, एंड आई थिंक मैं उस वक्त TDAP के पास गया और मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखें बात यह है कि यू हैव टू सपोर्ट द इंडस्ट्री, तो कहते हैं जोहेब हम म्यूजिक इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट करेंगे? हाँ। मैंने कहा कि क्यों नहीं कर सकते आप, बिकॉज इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड, उस वक्त तो CDs होता था, एंड ऑल्सो आई सेड उसके एक और अलावा एक और भी एक चीज़ है विच इज़ द इमेज बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान, एंड आई थिंक दैट ऑल्सो इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड थ्रू कल्चर एंड थ्रू म्यूजिक इसको हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो बेसिकली फिर उसके तहत मैंने फिर गवर्नर साहब से भी बात की, तो उन्होंने कहा ज़ुहेब आप ये सिंथ फेस्टिवल भी कर रहे हैं, आप ये भी कर रहे हैं, आप मीडिया एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, आप हमारे लिए आके क्यों नहीं करते हमारे साथ मिलके, और मैं आपको सपोर्ट दूंगा ये टू यू नो इन्हांस योर एक्टिविटीज़। तो फिर मैंने क्या कहते हैं उनके साथ मैंने 8 साल इशरत लिबाद इतना अच्छा गिटार बजा लेते हैं, पहले से ही करते थे, बहुत ही वो छुपे रुस्तम थे ऐसे, उन्होंने बहुत ही आई मीन ही वाज वेरी टैलेंटेड, बट मैं आई वाज देयर मोर ऑन अ टेक्निकल
बेसिस आई वाज नॉट देयर एज अ सिंगर ऑफ कोर्स एंड आई वाज देयर फॉर प्रमोटिंग सिंध तो उसके अंदर मैंने काफी साल किया मैंने सिंध फेस्टिवल शुरू किया था जिसके ऊपर मुझे यूएन अवार्ड भी मिला था एंड आई डिड दैट फॉर 7 years और मैंने शुरू किया था खाली 50,000 रुपए से और एट द एंड आफ्टर 8 years वो बेसिकली 3 लाख लोग उसको विजिट करने आते थे और शुरू में हमारे जो फॉरेनर्स जो आए थे बिकॉज उसके अंदर मैंने क्या किया था कि मैंने पूरे आई थिंक ये कोई 16 एकड़ के ऊपर मैंने किया था और जो जितना सी व्यू को कोस्ट लाइन है उसको मैंने नेवी के साथ उसको क्लियर किया था ये जब डॉलमेन आप देखते हैं सब कुछ देखते हैं ये सब मैंने क्लियर करवाया था और उसके अंदर अगर आप देखते हैं तो एक मैस्कॉट भी लगा होता था और एक घोड़ा लगा होता था पहले और फिर उसके बाद एक डॉल्फिन थी वहाँ तो डॉल्फिन वॉज द मैस्कॉट ऑफ सिंध फेस्टिवल One of the mascots. तो फिर मैंने वो क्लीन करवा के लोग मुझे पूछते थे गवर्नमेंट के आप क्यों कर रहे हैं आपका क्या इंटरेस्ट है मैंने कहा यार मैं तो खाली फेस्टिवल कर रहा हूँ हाँ और तो कहते हैं कि यार फेस्टिवल के लिए आप इतना काम कर रहे हैं इतनी सफाई कर रहे हैं इतना बट आई यू नो आई थिंक उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था और बहुत इंपॉर्टेंट था अहम था बिकॉज उस वक्त कराची के अंदर एक माहौल बड़ा अजीब सा था and families bahar nikal nahi sakni thi and they could not come out they could not you know enjoy themselves aur maine governor sahab ko kaha maine kaha dekhen wo tasavvur jo hota tha families ka wo khatam ho gaya hai aur log darte hain aane ke liye bahar to let me do something like this to kehte hain ki kare aap bismillah karke aap kare isko to phir he really supported me so I did that तो जहीब अभी भी हमारे यहाँ अगर हम देखें तो कोई कॉन्सर्ट हॉल इस तरह से नहीं है तो अभी आप वापस तो आ रहे हैं इस इंडस्ट्री के साथ आपकी वाबस्तगी बहुत पुरानी है और अब आप एक नई एल्बम के साथ आ रहे हैं कोई आगे भी इस तरह के प्लान्स हैं म्यूजिक को सर्व करने के और इस तरह जैसे आपने पहले भी इसके ऊपर काम किया है तो अभी भी आगे कुछ ऐसे प्लान आई थिंक हर आर्टिस्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने इंडस्ट्री को सर्व करें बिकॉज इंडस्ट्री चलती है अभी है आप हैं तो इंडस्ट्री है तो आप हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो मैं आई बिलीव इन दैट कि आपको पेट्रोनाइज और आपको इंकरेज करना चाहिए नॉट ओनली टैलेंट बट ऑल्सो द इंडस्ट्री इट्सेल्फ और मैं तो गवर्नमेंट को बहुत दफा मैंने मैसेज भी दिया है मैंने कहा कि देखें हमारे जो टूल्स ऑफ द ट्रेड हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे मिक्सिंग डेस्क हैं कैमराज हैं चीजें हैं आप उसके अंदर भी हमें टैक्स ब्रेक्स दें आप क्यों नहीं देते हमें आप यू नो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देते हैं आप उसको देते हैं और मैं आपको बताऊँ ये एक वाहिद इंडस्ट्री है विच इज ग्रोन वो कहते हैं ना 400, 500, 600% आप टीवी को देखें टीवी चैनल लुक एट द अमाउंट ऑफ चैनल्स लुक एट द फिल्म इंडस्ट्री कितनी बूम हुई है आई मीन देयर हैज बीन अ कंप्लीट बूम एंड आई थिंक म्यूजिक इंडस्ट्री में भी वही हुआ है आई मीन आप कोक स्टूडियो देख लें हमारे साथ म्यूजिक इंडस्ट्री में ये हम शुरू से अलमिया रहा है कि जैसे आप लोग आए आप नया ट्रेंड लेकर आए आप लोग ने पॉप सिंगिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई पाकिस्तान में उसके बाद तमाम सिंगर्स उसी के ऊपर उसी बीट के ऊपर चलते रहे फिर उसके बाद एक दौर आता है खत्म हो जाता है फिर सिंगिंग जो है वो कहीं डाउन हो जाती है फिर आते हैं कुछ लोग और उसके बाद फिर उसको उठाने की कोशिश करते हैं कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है हमारे यहाँ नहीं है आई थिंक आई डिसएग्री विद यू कंसिस्टेंसी है बहुत लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप देखें हमारे आइकॉन्स देखें आप राहत फतेह अली से आप देखें राइट अप टू आतिफ असलम यू नो एंड ऑल द इन बिटवीन क्लासिकल टू रॉक अभी आप देखें कि बहुत प्रोग्राम्स हो रहे हैं देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इनफैक्ट चंद दिन पहले मैं गया था एक कॉन्सर्ट भी हो रहा था स्ट्रिंग्स का और दूसरे साइड पे कुछ और एक फेस्टिवल हो रहा था तो ये एक्टिविटीज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये होनी चाहिए क्या वजह है कि हमारे सिंगर्स का गाने जो हैं जब तक वो इंडियन किसी मूवी में नहीं आ जाते हम नहीं समझते कि वो सिंगर आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू आप ये आई थिंक ये मिथ हो गया है कि अब आप देखें कि जितने हमारे आर्टिस्ट जो अब इंडिया नहीं जा सकते वो यहाँ कितना अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई थिंक एंड अगेन आई वुड से कि यू नो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट है यू नो दे मस्ट हेल्प द इंडस्ट्री बिकॉज एक माहौल क्रिएट करें आपके लोग निकल सकें बाहर वो परफॉर्म कर सकें कॉन्सर्ट्स हो सकें आर्ट फेस्टिवल्स हो सकें यू नो आप जैसे लोग बाहर निकल सकें यू नो एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि जो लेडीज हैं हाँ हमारी जो माशरे के लिए जो ऑल द फीमेल जेंडर है दे मस्ट बी एबल टू गेट आउट ओपनली एंड दे मस्ट बी एबल टू गेट आउट इन अ रिस्पेक्टफुल वे एंड दे शुड बी यू नो गिवन द यू नो दैट ड्यू शेयर एज बीइंग पार्ट ऑफ सोसाइटी और एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि अ लॉट ऑफ यू लुक एट योरसेल्फ्स आप देखें आप लोग बैठे हैं आप योर कंट्रोलिंग
a whole show, and I think this is very important. More ladies and more females should come into this business. Definitely. And it's nice. And और अब मैं देखता था कि Coke Studio का जो mall था बहुत अच्छा था और बड़ा respectful था और वहाँ ladies इतनी perform करती हैं और किसी ने किसी के ऊपर आँख उठा के नहीं देखा. नहीं ऐसा ज़रूरी है कि performance और जो हमारा काम है वो तो ऐसा है कि लोग पहचानते उसे और लोग कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी recognition उस तरह से नहीं. इस पे हम आई थिंक मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया, इतना सुबह सुबह लोग कह रहे हैं कि क्या हो गया ये कभी इंडस्ट्री के. Welcome back to Good Morning. तो जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पॉप आइकन लेजेंड सुहेब हसन और मजे की जो है वो चाय भी पी रहे थे, टीवी पी रहे थे. हाउ वाज द टी? मुझे चाय मिल गई. अच्छा मिल गई. थैंक यू. थैंक यू. आई थिंक मैं तो मजाक कर रहा था, बस सच्ची आ गई चाय. ऐसा हो सकता है कि हमारे मैंने पूछा मुझे आपको कॉफी चाहिए, चाय चाहिए, आपको कुछ और ग्रीन टी चाहिए, तो मैंने कहा नहीं नहीं बस चाय चलेगी. चाय चाहिए. अच्छा जी चलिए थोड़ा सा म्यूजिक के बारे में बात करते हैं. अभी इतनी जबरदस्त हम आपकी जो है वो वीडियो देख रहे थे. अच्छा सुहेब ये बताएं कि जब डेफिनेटली आप नाज़िया हसन के साथ सिंगिंग करते थे और सारा कुछ करते थे तो आप दोनों की केमिस्ट्री तो वो ऑन स्क्रीन भी नजर आती है और डेफिनेटली आप दोनों का एक होता है कि दोनों के अंदर बहुत ज्यादा स्किल्स थी. लेकिन अब आप जब नए लोगों के साथ में काम करते हैं तो फिर आपको क्या डिफरेंस फील होता है या आपको क्या लगता है कि क्या मिसिंग है या आप क्या चेंज कर सकते थे अगर वो इस वक्त में भी होती तो? ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है और आई थिंक इसका बड़ा ऑब्वियस आंसर है. आई मीन जो नाज़िया को तो कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता मेरे लाइफ के अंदर. शी जो हमारी एक नेचुरली बहन भाई थे हम लोग, उसके अलावा जो एक हमारी जो प्रोफेशनल कंपेनियनशिप थी वहाँ, वी वर लाइक अ बैंड जैसे डुओ होता है. कंफर्ट लेवल जैसे आप दोनों हैं, आप एक दूसरे को यू अंडरस्टैंड ईच अदर, यू नो द क्यूज, एक दूसरे को कवर करता है, सो एंड सो फॉर्थ. आई एम नॉट सेइंग दैट यू मेक मिस्टेक्स, बट आई एम जस्ट सेइंग कि यू नो एक आप इनहेंस करते हैं एक दूसरे को. तो नाज़िया एंड मी वर लाइक अ वी वर लाइक अ हम ऑलमोस्ट लाइक अ बैंड थे एंड वी वर लाइक अ डुओ. सो हर चीज में हमारी बड़ी कम्युनिकेशन रहती थी और कनेक्शन रहती थी. एंड आई थिंक अब वो नहीं है तो नेचुरली मेरे लिए एक गैप आ गया, एक वैक्यूम आ गया है. और बड़ा मुश्किल है फॉर एनीबडी एल्स टू फिल दैट. टीम ऑफ टू थी आप लोगों की, जिसने मेरा ख्याल है कि एक के ऊपर एक हिट दिया है. और अब भी आप जो एल्बम लेकर आ रहे हैं उसके अंदर भी नाज़िया का सॉन्ग है, मैंने सुना है कि शायद नाज़िया ने खुद लिखा था. तो सॉन्ग के बारे में बताइए, कब लिखा था और अब आप इसके ऊपर एल्बम बना रहे हैं? नाज़िया जो है ना उसने मेरे साथ बड़ा धोखा किया, ठीक है? और धोखा इसलिए किया बिकॉज वो लड़की जो है उसने मुझे कभी नहीं बताया कि उसकी जो एक्चुअल उसकी जो हेल्थ की सिचुएशन थी वो उसने कभी डिस्क्लोज नहीं की मुझे. अच्छा. और या फैमिली को वो हर चीज़ जो है अपने ऊपर उठा लेती थी. और मैं उसके साथ मुस्तकिल उसके साथ लंदन में जब उसकी कीमोथेरेपी चल रही थी तो मैं वहीं था उसके साथ. डेढ़ साल मैं नाज़िया के साथ था और मुझे बहुत दुख भी हुआ बिकॉज मैंने देखा मेरे सामने मेरी जो खूबसूरत बहन है वो डिटेरिएट कर रही थी मेरे आंखों के सामने. और कैंसर और ये जो कीमोथेरेपी है वो कैंसर से भी ख़राब चीज़ है बिकॉज आपको पता है कीमोथेरेपी तो पॉइजन होती है. तो आप पॉइजन डालते हैं अपने सिस्टम के अंदर कि आप एक ट्यूमर को किल करें तो आपकी बॉडी भी किल हो जाती है. बॉडी भी किल हो जाती है. तो मैंने देखा बट नाज़िया जो है बहुत उसके अंदर स्ट्रेंथ थी. बहुत ही शी वाज अ वेरी स्ट्रांग इंडिविजुअल. बड़ी सॉफ्ट थी बट शी वाज वेरी स्ट्रांग आल्सो. और उसने डॉक्टर को था कि देखें जो भी होता है आप मुझे किसी तरह सर्वाइव करवाएं बिकॉज मुझे सर्वाइव करना है अपने बेटे के लिए. ठीक है. तो उसने कहा कि देखें आपको मैं डोज इंक्रीज कर सकता हूं मगर आपकी बॉडी ले नहीं सकेगी. तो उसने कहा फिर भी आप कर दें डोज इंक्रीज कर दें. उसने हमें कभी बताया नहीं और उसको पता था कि उसके दिन जो हैं कम हैं. और मैं जब उससे मिलने गया था तो उसने मुझे काफ़ी जब मैंने कहा धोखा दिया नॉट दैट वे बट उसने मुझे बताया नहीं. और उसने डॉक्टर को भी कह दिया था कि इनको नहीं बताएगा कि मुझे असल में चंद दिन मेरे रह गए. और सो जब मैं उसके पास गया तो मुझे कहती थी हाँ हाँ हम लोग गाना कर रहे हैं, सब तैयार हो गया है तुम्हारा, तुमने कर ली म्यूज़िक? मैंने कहा मुझे तो दिल ही नहीं है म्यूज़िक करने के लिए. तो कह रही थी नहीं मैं तो ठीक हो गई हूँ, मैं तो अभी एक दो दिन में निकलूंगी और मैं तो I'll be doing the record. तो जल्दी जल्दी करो, तो you're taking too much time. तो मैंने कहा कि नाज़िया तुम किस तरीके की बात कर रही हो, तुम यहाँ शदीद तुम्हें बीमारी हुई भी है और you're not well. और तुम कह रही हो तुम्हें म्यूज़िक करनी. कहती है किसने कहा है कि मैं ठीक नहीं होंगी? तो ये बेसिकली ये जो है ना ऑलमोस्ट लाइक अ धोखा था बिकॉज हमें नहीं पता. जब मैंने डॉक्टर से पूछा और वो डॉक्टर ने
वहाँ डॉक्टर जो है लीगली बाउंड होता है कि अगर आपको पेशेंट कहे कि मेरे बारे में नहीं बताएं तो वो फैमिली मेंबर को भी नहीं बताएंगे, तो उसने हमें कभी नहीं बताया। तो मैंने जब नाजिया फाइनली जब उनका इंतकाल हो गया तो मैंने उसको डॉक्टर से भी पूछा, मैंने कहा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, यू नो मुझे पता होता कि मैं वो तो मैं कुछ और करता, तो वो अपना सर हिला के चला गया कि यू नो ही वाज बाउंड। तो इस तरीके से मुझे बड़ा दुख हुआ कि नाजिया ने हमें कभी बताया नहीं, बट शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। मैंने कहा अब मुझे इतनी आई एम वेरी प्राउड कि हमारे पाकिस्तान में बड़ी स्ट्रॉन्ग लेडीज आ गई हैं बहुत सारी, एंड आई थिंक दैट इज़ द वे फॉरवर्ड मुल्क के लिए। एंड तो अब उनका बेटा जो है वो आरएस वो मेरे साथ रहता है लंदन में, एंड उसको बिल्कुल इंटरेस्ट म्यूजिक में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और वो पढ़ रहा है, ही इज डूइंग लॉ जैसे अपनी मदर ने किया था, वो लॉ कर रहा है और 6'3" टॉल है वो, तो स्पोर्ट्स बहुत करता है। अच्छा माशाल्लाह, वैसे आप लोगों की दोनों बहन भाइयों की फैंस बहुत ज्यादा थे और माशाल्लाह जिस तरह आपने अपने आप को अब तक मेंटेन किया है तो लोग जानना चाहते हैं कि क्या क्या आप कोई फिटनेस डाइट्स वगैरह लेते हैं। अब आपने पूछा मैं आपको बताता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ तो एक टेस्ट ट्यूब लेता हूँ, उसके अंदर केमिकल सोडियम क्या बात कर रही है आप, मैंने कुछ नहीं करता, ये लोग पूछते हैं आप कोई केमिकल मिक्स करके, और मैं कुछ नहीं करता, मैं बेसिकली मैं उठता हूँ लाइक एनीबॉडी एल्स, मैं चाय पीता हूँ, चाय पीने के बाद थोड़ा सा यू नो एक्सरसाइज करता हूँ, यू कैन से दैट यू आर ब्लेस्ड राइट। हां It's obvious. लोग ही देख सकते हैं ना आपको, मुझे तो नहीं, बट नाजिया ने भी कभी कुछ नहीं किया, यू नो नाजिया को भी लोग कहते थे कि माशाल्लाह आपकी शक्ल ऐसी है वो, तो नाजिया कहती मैं तो कुछ कर ही नहीं हूं, तो कहते हाँ हाँ श्योर श्योर आप हमें बता रहे हैं। इस तरह की नहीं, मेरा ख्याल है इस तरह की भी तमाम लड़कियां आपकी अब तक उतनी बड़ी बड़ी आप मरवाएंगी मुझे, मेरी शादी हुई भी है अब, वो कहते हैं ना वो रोटियों की क्या होती है बेल पेन, नहीं पैन फॉलोइंग तो खैर होती है, तो बेलन बेलन पीछे से हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि बेलन 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 बिल्कुल रोलिंग पिन कहते हैं, रोलिंग पिन आप देखते हैं मैं रोटियां तो पकाता नहीं तो मुझे पता नहीं है। अच्छा ज़ैब आप कुछ बात कर रहे थे आप नाजिया हसन के हवाले से, उनके बेटे के बारे में आपने बताया कि आपके साथ ही रहते हैं, म्यूजिक से उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मतलब अब लॉ कर रहे हैं तो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं कि वो इस फील्ड में आते हैं। मगर जो मेरी बेटी है दोनों बेटियां जो है वो म्यूजिक में काफी है, अच्छा और एक जो मेरी एल्डेस्ट है वो कर भी रही है अपना एक सिंगल कर रही है, प्रॉपर कुछ सीख रहे हैं म्यूजिक वगैरह या नहीं? नहीं बहुत अच्छा सीखने की जरूरत है जिनके फादर ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मगर देखिए मैंने उनको कहा कि अगर आप कर सकती हैं कुछ लाइफ में आप जरूर करें, हाँ बट मैं आपको आपके लिए सिफारिश नहीं करूंगा, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन मेरिट, अगर आपके अंदर मेरिट है आपके अंदर टैलेंट है तो खुद ही निकल आएगा। अच्छा सुहेब ऐसे भी होता है ना कि अगर दो बहन भाई की आवाजें बड़ी अच्छी तो लोग कहते हैं या तो ननिहाल से इसकी आवाज है या फिर ददियाल से, ऐसा कोई चक्कर था कि आप लोगों की आवाज एक फैमिली जो हो उनमें ज्यादा अच्छी आवाज पाई जाती है? जैसे मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरी ननियाल में आवाज बहुत अच्छी है लोगों की ऑलरेडी, अब आपको गा के बताना पड़ेगा। और ये बात अच्छा 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 है। आपने मुझे कहा था कि आप नाजिया के कोई गाना गा रही थी, आप लोग दोनों मैं आपको देखता हूँ टीवी पे, मैंने देखा था कल, हाँ आप माशाल्लाह बड़ी सीरियस हैं दोनों, आप पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में बात करती हैं, हाँ मगर मुझे पता है आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं, ये मुझे किसी ने बताया था, प्रोड्यूसर ने बताया था कि बहुत अच्छा गाना गाती है। सही है, तो फंसाने वाली बात है, आप फंस गए। देखे देखिए आप हमारे अभी शो पे आप स्टार आए हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, ये बड़ी क्लेवर चीज आपने बोली है फिसलने के लिए। हाँ तो आप ही कुछ सुना दें फिर हम आपके साथ जरूर। नहीं नहीं मैं क्या सुनूं, मैं तो सुन लिया मैं आपने गाने। मैं अच्छा तो थोड़ा सा कुछ सर, बड़ी फरमाइश आ रही पीछे से भी कि प्लीज थोड़ा सा गुनगुना। अच्छा चलें एक गाना है, गाने तो बहुत सारे हैं मगर अच्छा आप माइक भी अच्छा माइक लेना पड़ेगा मुझे जी। अच्छा अच्छा आपने धीरे धीरे सुना होगा मगर आई विल सिंग ऑन वन कंडीशन ओके okay, आप लोग भी साथ गए ओके श्योर आप भी साथ गए, मगर आप शुरू करेंगे मैं आपको की दे देता हूँ। हाँ देखें अब इतनी आसानी से आप नहीं निकलेंगे इसके अंदर, आपको गाना पड़ेगा। आप मुझे फंसा रही है, सुबह सुबह चाय भी आपने मुझे नहीं पिलाई, आप कह रहे हैं गाना गाओ। नहीं आप गाए, आप शुरू करें हम आपके साथ गाते हैं, और धीरे धीरे वो सॉन्ग है जो अभी ज़ैब हमें पिछले अभी थोड़ी देर पहले ना कानों में ये सुनाई दे रहा था, क्योंकि हमारे पीछे जो प्रोड्यूसर है ना वो ये गाने। अच्छा इसकी क्या जरूरत है? ये बड़ा फॉर्मल हो जाता है। दिल मेरे चल रहे धीरे धीरे धीरे,
तू जरा संभल रे धीरे 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 अब नेक्स्ट लाइन दूर नहीं है गाय हंसती जा रही आप ये एट लिरिक्स लिरिक्स क्यों लिरिक्स क्या भी हो पाते व्हाट अबाउट यू मुझे तो गाना आता ही नहीं है मैं तो कोई गुनगुनाती भी नहीं हूं अच्छा मैं आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग दे देता हूं ठीक है ना अब मेरे साथ आप गाएं ओके प्यार ने जादू किया गाए चले प्यार ने जादू किया नहीं ये तो आप बोल रही है ना आपको गाना हम लोग मिलके सब वो जरूर अच्छा अच्छा तो ये सब ये फ्लॉय थी मुझे गवाने के लिए आंखें मिलाने वाले हम अच्छा आंखें मिलाने वाले भी गा सकते हैं हम क्योंकि वो उसके लिरिक्स सब थोड़ी याद है चलें वो हो जाए ठीक है ना वो गा लेते हैं सही है ना सब ठीक है लेकिन आप स्टार्ट लें हम आपके साथ नहीं आपका की डिफरेंट है ना तो आप शुरू करें चलें ठीक है आंखें मिलाने वाले दिल को सुराने वाले मुझको जीवन में आने वाले जीवन से जाने वाले मुझको सुलाना नहीं मैं जवां अच्छा ये तो मेरी तो जरूरत ही नहीं आप पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में बात करती हैं आप गाने भी गाती हैं मैं तो चला फिर मैं चलूं फिर नहीं अभी आपसे बहुत सारी सिंगिंग टिप्स हमने लेनी है तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग आज में आ गया है एक ब्रेक कहीं जाएगा मैं डोंट गो एनीवेयर स्टे विद अस कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज बेस्ट ऑफ लक आपकी के लिए उम्मीद करते हैं कि जितने टाइम बाद ये आ रही है उतने ही फैंस ज्यादा हो जाएंगे अच्छा जहीर मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी उस टाइम की 80s 90s की हम बात करें तो उस टाइम पर लोगों को स्टारडम ऐसे मिलता था कि हमारे जो सिंगर्स होते थे वो लेजेंड्स बन जाते थे इस टाइम पर हमारे पास बेपनाह सिंगर्स हैं और बहुत ज्यादा उनके अंदर टैलेंट भी है पर वो रिकॉग्निशन नहीं है जिसके बारे में आपसे मैं थोड़ी देर पहले भी बात कर रही थी क्या वजह समझते हैं आई थिंक जो डायनामिक्स ऑफ द बिजनेस है वो चेंज हो गए अब पूरी इंडस्ट्री जो है बड़ी कमर्शियल हो गई है और प्लस उस वक्त एक टीवी चैनल होता था मे बी दो होते थे मैक्सिमम एसटीएन था और पीटीवी था और अब जो है माशाल्लाह इतने चैनल हैं कि आपको नाम भी नहीं याद रहते कि कितने चैनल हैं तो आई थिंक के एनीबडी जो स्टार्टिंग आर्टिस्ट होता है उसको अब इतने चैनल्स पर जाना पड़ता है You know, and it's such a commercial business that it's almost close to impossible, and it takes a lot of money to publicize himself. And all channels ask for money, so it's difficult. So all commercialized. Very commercialized. So basically, commercialism is more. People have, and at the end of the day, the music is not returns so much. Because you know, music is not selling. Physical music is not happening. Now, you have CDs, videos are not happening. Now, you online, you download online. Online, all things. Okay, inside that, so basically, I will tell you, the artist is very killed. And every side. उसको मार पड़ती है पहले तो उसको रॉयल्टीज नहीं मिलती सेकंडली जहाँ वो जाता है लोग कहते हैं कि आपका वीडियो प्ले करना है तो आप प्लीज पैसे दें अब उनके पास पैसे नहीं होते सही। तो बेसिकली ये जो है ना ये बड़ी कैच 22 सिचुएशन हो गई आर्टिस्ट के लिए एंड आई थिंक दिस हैज टू आल्सो बी चेंज जो चैनल्स हैं इतने सारे चैनल्स हैं हर वक्त एक ही चीज कर रहे होते हैं ये हादसा हो गया ये हेडलाइन न्यूज है ये खराब ये ब्रेकिंग न्यूज हो गई मैं सोचता हूँ कि उनको काफी सारा टाइम देना चाहिए ऑल्सो टू आर्ट एंड म्यूजिक कल्चर ऑल्सो बिकॉज इससे जो है ना आपकी इमेज इनहेंस होती है और ये जो दूसरी जो चीजें आप रिपोर्ट करते हैं इससे इनहेंस नहीं होती आपकी इमेज तो आई थिंक वी शुड फोकस ऑन इनहेंसिंग पाकिस्तान इमेज राइट इन अ पॉजिटिव वे और म्यूजिक कल्चर आर्ट एंटरटेनमेंट से पॉजिटिव चीज जाती है आप हमारे पड़ोसी मुल्क को देख लें आप ठीक है ना सबसे ज्यादा जो उनकी चीज है क्या होती है बॉलीवुड है आई थिंक इट्स जस्ट ग्लैमर इट्स ग्लैमर एंड बॉलीवुड और उनकी मिस वर्ल्ड उनके बॉलीवुड ग्लैमर और लोग कहते हैं वहां वाह वाह वो जो बोल रहे हैं उसकी कोई बात नहीं आप अंग्रेज से बात करें अंग्रेजों से बात करें और वो कहते हैं कि वो तो ऐसा मुल्क है वो तो जैसे कि पैराडाइज है हाँ और पाकिस्तान के बारे में बात करें तो कहते हैं जी आप न्यूज चैनल देखें वहां तो ये बम फटा था वो हुआ था ये हुआ था तो आई थिंक हम एज पाकिस्तानी हमें एक पॉजिटिव इमेज अपने मुल्क की देनी चाहिए हाँ और वो नेचुरली थ्रू यू पीपल और आपको जो है पाकिस्तान देखें
अदर कंट्रीज मैंने देखा है, दे आर वेरी कंट्री प्राउड, बहुत प्राउड होते हैं अपने होते हैं। और अपने मुल्क के बारे में कभी बुरी चीज नहीं बोलेंगे। हमारे जो जो पॉलिटिशियन है वो एक दूसरे को बुरा बोलते रहते हैं हर वक्त, वो कहते हैं कि हर वक्त लड़ रहे होते हैं उसके ऊपर। एंड आई थिंक दिस जो है दिस ट्रेंड हैज टू चेंज। सही, बहुत ज़बरदस्त किस्म की आज ज़ोहेब हसन के साथ हमारी बातचीत रही है और बहुत मज़े की गुफ्तगु थी और लेजेंड से मिलके, स्टार से मिलके, क्योंकि मैं भी इनसे पहली दफ़ा मिली हूँ तो हम लोग बहुत सारे एक्साइटेड थे, पीसीआर में भी सब यहाँ पर कैमरामैन भी, कि जी आज ज़ोहेब हसन आ रहे हैं और फाइनली हमारे शो पर आप आए। बहुत बहुत थैंक्स कि आप आए और आपके वीडियो के लिए, आपके एल्बम्स के लिए और आने वाले जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं उनके लिए जो है बेस्ट विशेस। तो ज़ोहेब हसन जो है वो डेफिनेटली हमारे साथ थे यहाँ पर, बहुत अच्छी गुफ्तगु रही। आज का शो आपको कैसा लगा ये बता सकते हैं आप हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर भी, हमारे फैन पेजेस पर भी, और बताइएगा कि आज का जो शो है उसके बारे में आपका क्या फीडबैक है, क्योंकि आज आपके फेवरेट स्टार, आज आपके फेवरेट सिंगर जो है हमारे साथ मौजूद थे। तो गुड मॉर्निंग, आज से फिलहाल इतना ही, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।